स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्कैपुलर रीजन की। ठीक है, स्कैपुलर रीजन में आप लोगों ने अगर रीड करनी हो तो ये रीड कर लें, इट इज़ जस्ट फॉर रीड सर्फेस लैंडमार्क्स। ठीक है, इसमें जो मेन काम है वो आपके मसल्स का है, मसल्स ऑफ स्कैपुलर रीजन। ठीक है, तो आप लोगों ने इसके लिए ये वाला टेबल अच्छे तरीके से कर लेना है। इसमें जो मसल्स है, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, सब स्कैपुलरिस, टेरिस मेजर, इन सबका जिक्र हमने ह्यूमरस के अटैचमेंट्स में किया था और हमने स्कैपुला के अटैचमेंट्स में किया था। ठीक है, तो अगर किसी को यहाँ से समझ ना आए तो वीडियो भी देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो अगर किसी को समझ ना आए तो वीडियो देख ले कि किस तरह कहां पे स्कैपुला के किस पोर्शन में इसकी सुप्रास्पाइनेटस की इंसर्शन ओरिजिन होती है, और इंफ्रास्पाइनेटस ऐसे ही सबस्कैपुलरिस। ठीक है, और ह्यूमरस के ऊपर कैसे टीरिस मेजर आके इंसर्ट होता है और कैसे टीरिस माइनर आके इंसर्ट होता है। ठीक है, अगर किसी को समझ ना आए तो वो वीडियो देख ले। ठीक है, इट इज फी सबीलिल्लाह। तो आप लोगों ने ये टेबल अच्छे से कर लेना है। ठीक है, ओरिजिन इंसर्शन कर लेनी है, नर्व सप्लाई कर लेनी है, एक्शन कर लेना है। ठीक है, और आप लोगों ने ये जो डेल्टॉइड है इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप लोगों ने ये अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, और आप लोगों ने स्ट्रक्चर्स अंडर द कवर ऑफ डेल्टॉइड, बोन्स कौन कौन सी है डेल्टॉइड के कवर के नीचे। ठीक है, बोन आप लोगों ने, ह्यूमरस होती है और कोरोकॉइड प्रोसेस होता है स्कैपुला का। अगर किसी को ना पता हो कि कोरोकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला क्या होता है तो वो स्कैपुला वाली वीडियो देख ले। ठीक है, तो बोन पकड़ के मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है क्योंकि कौन कौन सा फीचर है उसका। ठीक है, तो कोरोकॉइड प्रोसेस होता है वो आप लोगों को फिर उससे समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अब मसल्स कौन कौन से होते हैं अंडर द कवर ऑफ डेल्टॉइड, इंसर्शन किस किस की होती है, कौन कौन से मसल्स की इंसर्शन होती है डेल्टॉइड, डेल्टॉइड एक कवर है। ठीक है, उस कवर के नीचे किन मसल्स की इंसर्शन होती है और किन मसल्स की वहां से ओरिजिन होती है। ठीक है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है, इसको कर लेना है। ठीक है, और बाकी जो अंडर द कवर ऑफ डेल्टॉइड वेसल्स कौन कौन सी होती हैं, नर्व्स कौन सी होती हैं, वहाँ पे जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स कौन से होते हैं, बुरसा कौन से होते हैं, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको देख लेना है। और बाकी क्लिनिकल्स में ये आप लोगों ने देख लेना है कि इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन हम कहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, वो डेल्टॉइड में लगाते हैं और इस मसल के मिडल में लगाते हैं ताकि हमारी जो एक्सिलरी नर्व है ना, यहाँ से गुजर रही सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के पास से, वो डैमेज ना हो। ठीक है, और बाकी जो है जब सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस का फ्रैक्चर होता है तो हमें पता है कि एक्सिलरी नर्व डैमेज होती है, तो एक्सिलरी नर्व जब डैमेज होती है तो उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, कि राउंडेड कॉन्टोर ऑफ द शोल्डर वो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा जो डेल्टॉइड होता है उसकी पैरालिसिस हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से अबडक्शन नहीं हो पाती अप टू 90। ठीक है, 0 से 90 डिग्री जो अबडक्शन होती है वो डेल्टॉइड नहीं करनी होती है ना, तो अबडक्शन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और वहां पे सेंसरी लॉस हो जाता है एक एट द लोअर हाफ ऑफ डेल्टॉइड। ठीक है, जो क्योंकि जो एक्सिलरी नर्व डैमेज हुई है ना, तो एक्सिलरी नर्व की जो पोस्टीरियर ब्रांच होती है, ठीक है, इसकी दो ब्रांचेज होती है ना, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। जो इसकी पोस्टीरियर डिवीजन होती है वो फिर आगे इसके लोअर पार्ट ऑफ डेल्टॉइड से बाहर आ जाती है। ठीक है, पियर्स कर लेती है उसका डीप फेशिया को, इस मसल के डीप फेशिया को पियर्स करके बाहर आ जाती है और वो कंटिन्यू होती है एज द अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। ठीक है, और वो वहां पे सेंसरी नर्व सप्लाई देती है आर्म के अपर पार्ट में। ठीक है, तो जब वहां पे एक्सिलरी नर्व ही डैमेज हो गई है तो वहां पे सेंसरी लॉस भी हो जाएगा, और जिस एरिया में सेंसरी लॉस होता है, ठीक है, लोअर हाफ ऑफ डेल्टॉइड है उसे, उस एरिया को हम कहते हैं रेजिमेंटल बेज एरिया। ठीक है, बाकी आप लोगों ने सब अक्रोमियल बुर्साइटिस देख लेना है। ठीक है, जो अक्रोमियल प्रोसेस होता है ना स्कैपुला का, उसके नीचे होता है सब अक्रोमियल बुर्सा। ठीक है, और फिर उसके नीचे इस अक्रोमियल प्रोसेस, उसके नीचे सब अक्रोमियल बुर्सा, उसके नीचे होता है सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन। सब अक्रोमियल बुर्साइटिस के अंदर क्या होता है, ये जो सब अक्रोमियल बुर्सा है ना, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, तो सब अक्रोमियल बुर्साइटिस का लेना है। ठीक है, और मस्कुलर टेंडिनस कफ ऑफ द शोल्डर और रोटेटर कफ, ये रोटेटर कफ मसल्स होते हैं इसके अंदर, ये हमारे ये जो मसल्स है ना, ये जो है पहले चार मसल जो है ना रोटेटर कफ मसल्स इन्हें कहते हैं। ठीक है, इनको याद रखने का निमोनिक होता है सिट्स, SITS, S फॉर सुप्रास्पाइनेटस, I फॉर इंफ्रास्पाइनेटस एंड T फॉर टीरिस माइनर एंड S फॉर सबस्कैपुलरिस। निमोनिक होते हैं सिट्स, SITS। ठीक है, ये कर लेना है आप लोगों ने, सब अक्रोमियल बुर्सा कर लेना है। ठीक है, उसके बाद इंटरमस्कुलर स्पेसिस करनी है। ठीक है, ये सबसे पहले समझ लें तो आप लोगों को ना समझने में आसानी होगी। अच्छा, इंटरमस्कुलर स्पेसिस है ना, उसके अंदर हमारे पास तीन स्पेसिस हैं, एक ये है क्वाड्रेंगुलर स्पेस, ये वाली क्वाड्रेंगुलर स्पेस नजर आ रही है ना, क्वाड्रेंगुलर है और क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, और ये अपर ट्राइंगुलर स्पेस है और ये हमारे पास है लोअर ट्राइंगुलर स्पेस। ठीक है, और बाउंड्रीज में अगर देखें तो ये हमारी ह्यूमरस है और ये टीरिस माइनर है, टीरिस मेजर, और ये है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई। ठीक है, आप लोगों को ये पता होगा ना कि कौन सी चीज कहाँ पे है, तो आप लोगों को इसकी बाउंड्रीज अच्छे तरीके से याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस है और ये लोअर ट्राइंगुलर और ये अपर ट्राइंगुलर, और इनके जो कंटेंट्स हैं वो भी अच्छे तरीके से करने हैं। ये है क्वाड्रेंगुलर स्पेस। ठीक है, इसके कंटेंट्स में क्या होता है, एक्सिलरी नर्व होती है एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स होती हैं, और ये है हमारे पास अपर ट्राइंगुलर, इसके भी कंटेंट्स कर लेने, एक ही होती है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। ठीक है,
ये सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, और बाकी ये जो लोअर ट्राइंगुलर स्पेस है इसके कंटेंट्स में होते हैं रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रेकाई वेसल्स। तो इसको याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ पी आर, पी फॉर प्रोफंडा ब्रेकाई वेसल्स एंड आर फॉर रेडियल नर्व, ठीक है। और इसके लिए रखा था मैंने आप पी, ए से एक्सिलरी नर्व होगी और पी से जो है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स, ठीक है। और बाकी ये जो एक्सिलरी नर्व है ये बहुत ज़्यादा अहम है, इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आप लोगों को रूट वैल्यू पता होनी चाहिए, इसके कोर्स पता होनी चाहिए कि ये जो क्वाड्रेंगुलर स्पेस है ना, ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस ये इसमें से गुजरती है, ठीक है। और इसके बाद इसकी दो डिवीजन हो जाती है, इंटीरियर डिवीजन होती है और एक होती है इसकी पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है। जो इंटीरियर डिवीजन होती है वो आगे फिर डेल्टॉइड को सप्लाई करती है और ऐसे आती है ना सर्कमफ्लेक्स, सर्कमफ्लेक्स का मतलब होता है घूमना, तो ये इसको हम सर्कमफ्लेक्स नर्व इसीलिए कहते हैं कि इसकी जो इंटीरियर डिवीजन है ना ऐसे घूमती है, इसकी सर्जिकल ये ह्यूमरस है ना, ह्यूमरस की सर्जिकल नेक के अराउंड वाउंड होती है, ऐसे वाइंड होती है और ये घूम के फिर डेल्टॉइड को सप्लाई करती है, डेल्टॉइड, ये डेल्टॉइड है ना, डेल्टॉइड के अपर पार्ट को सप्लाई करती है, ठीक है। और फिर एंटीरियर साइड पे आ जाती है एंटीरियर डिवीजन जो होती है ना एक्सिलरी नर्व की, वो और एक होती है इसकी पोस्टीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन जो होती है वो इसके डेल्टॉइड के ऐसे लोअर पार्ट को सप्लाई करती है, ठीक है। और उसके बाद वो ऐसे जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाती है, इसके ना डेल्टॉइड का जो फेशिया होता है ना, डीप फेशिया होता है जिसने डेल्टॉइड को कवर किया होता है, तो डेल्टॉइड के फेशिया को पियर्स करके वो बाहर निकल जाती है और कंटिन्यू, और फिर वहां से बाहर निकल के हमारी स्किन को सप्लाई करती है, ठीक है। तो स्किन को सप्लाई करती है, उसे फिर हम इसके क्यूटेनियस इनर्वेशन में काउंट करते हैं, और उसे फिर हम कहते हैं जो इसकी पोस्टीरियर डिवीजन को फिर हम कहते हैं लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ठीक है। वो लेटरल क्यूटेनियस नर्व बन जाती है, सेंसरी एरिया को सप्लाई करती है, हमारी स्किन को सप्लाई करती है, ठीक है। ये आप लोगों ने रीड कर लेना है, जो क्वाड्रेंगुलर स्पेस की बाउंड्रीज है ना, ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस की जो बाउंड्रीज है वही इसकी एक्सिलरी नर्व की बाउंड्रीज है, ठीक है। वो आप लोगों ने देख लेना है, बाउंड्रीज मतलब इसके अंदर हमारे पास बाउंड्रीज थी, इसके अंदर एक्सिलरी नर्व के वो रिलेशन बन जाएंगे, ठीक है। और बाकी ये उसकी डिवीजन के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। ये जो स्कैपुलर रीजन वाला चैप्टर है ना, ये सारा ही बहुत अहम है, ठीक है, सारी एनाटॉमी ही अहम है, तो ये वाला कुछ ज़्यादा ही अहम है। इसके अंदर है अब एनास्मोसिस अराउंड स्कैपुला, ठीक है। ये अब इसके लिए आप लोगों को स्कैपुला की अच्छे तरीके से समझ होनी चाहिए, ठीक है। स्कैपुला के अराउंड एनास्मोसिस है, तो जो कोलेट्रल सर्कुलेशन होती है ना अराउंड स्कैपुला, ये वो है, ठीक है। तो एनास्मोसिस अराउंड द बॉडी ऑफ द स्कैपुला, ये जो इसकी बॉडी है अराउंड द बॉडी ऑफ द स्कैपुला होगा एक एनास्मोसिस, और एक एनास्मोसिस होगा अराउंड द एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। ये इसका एक्रोमियन प्रोसेस है, एक यहाँ पे होगा, ठीक है। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है, और इसको आपको ड्रॉ करना भी आना चाहिए, ये ऐसे क्यों आ जाते हैं पेपर में, तो इसको अच्छे तरीके से ड्रॉ करना भी आना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को इसकी समझ नहीं है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं इस पर भी आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है। इस तरह अब यहाँ पर बताऊंगी तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, तो मैं इसका अलग से आप लोगों को बता दूंगी अगर किसी को समझ ना हो, ठीक है। स्कैपुलर रीजन के क्लिनिकल्स में आपने करना है इंजरी टू एक्सिलरी नर्व, ठीक है, इंजरी टू एक्सिलरी नर्व कर लेना है। इसमें आप लोगों का जो मोटर फंक्शन लॉस होगा और जो सेंसरी लॉस होगा वो कर लेना है आप लोगों ने। सेंसरी लॉस किसकी वजह से होगा, जो इसकी एक्सिलरी नर्व की जो ब्रांच हमें सेंसरी, हमारे सेंसरी एरिया को, हमारी स्किन को सप्लाई करती है, उसकी वजह से हमारा सेंसरी लॉस होगा। वो कौन सी इसकी ब्रांच है, वो पोस्टीरियर जो ब्रांच है ना, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ एक्सिलरी नर्व है, उसकी आगे से कॉन्टिन्यूशन होती है अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ठीक है। जो अगर वो डैमेज होगी तो फिर इसकी वजह से सेंसरी लॉस होगा हमारे, ठीक है। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेने, और ये पता है आप लोगों को कि हम जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं वो हम डेल्टॉइड में देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने करना है रोटेटर कफ इंजरीज, ठीक है। रोटेटर कफ में हमारे पास रोटेटर कफ के मसल्स आ जाएंगे, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीडीज माइनर और सबस्कैपुलरिस, ठीक है। तो अगर इन मसल्स की इंजरी हो जाए, ठीक है, इनका टेंडन ब्रेक हो जाए, तो इसकी वजह से रोटेटर कफ इंजरी हो जाएगी, ठीक है। मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस मसल का टेंडन होता है ना, वो ब्रेक डाउन होता है, और बाकी ओल्ड एज में भी रोटेटर कफ इंजरी हो सकती है। उसमें क्या होगा, डिजनरेशन हो जाएगी, टेंडन्स जो है ना रोटेटर कफ मसल्स के जो टेंडन्स हैं उनकी डिजनरेशन हो जाएगी, ठीक है। डिजनरेटिव, उसे कहते हैं डिजनरेटिव टेंडोनाइटिस ऑफ रोटेटर कफ, ठीक है। ये ओल्ड एज में कॉमन होती है।